स्वीट डिश आपका कैरेमल शीर खुरमा रेडी है। मैंने खुद ही कश करके कुछ बादाम पिस्ता और ये हमने फ्राई करना है इसी देसी घी में। ये अभी चीनी का कैरेमल तैयार होगा, उसमें फिर हम दूध ऐड करेंगे। ये आपका कैरेमल शीर खुरमा मज़ीद 5 मिनट्स में रेडी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज चांद रात है और मैं ईद की स्पेशल डिश बनाने जा रही हूँ, बहुत ही मज़े की स्वीट। आपको पता है कि स्वीट डिश के बगैर तो ईद कंप्लीट ही नहीं होती। हमारे घर में हर ईद पे, हर छोटी ईद पे एक स्पेशल डिश बनती है और वो है शीर खुरमा। मोस्टली बहुत से लोगों के घरों में शीर खुरमा बनता है, सेवैयाँ बनती हैं, खीर बनती है, लेकिन हमारे घर में एक चीज़ जो मस्ट है वो शीर खुरमा। तो सोचा आज मैं अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये कुछ सेवैयाँ मैंने ली हैं, तकरीबन 2 पैकेट। उसके अंदर मैंने खुद ही कश करके कुछ बादाम पिस्ता और नारियल और छुआरे, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें मिक्स कर दी थी। अब जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद हमने क्या करना है। जी व्यूअर्स, तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि थोड़ा सा मैंने देसी घी निकाल लिया, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब ये ऐड करें। इसमें जो हमने शीर खुरमा मिक्स बनाया हुआ है उसको ऐड करेंगे और इन सेवैयों को हम फ्राई करेंगे। ये हमने फ्राई करना है इसी देसी घी में। जी व्यूअर्स, इसको हमने लाइट सा फ्राई कर लिया, लाइट सा सेवैयों का कलर चेंज हो गया। अब हम इसको एक साइड पे निकाल लेंगे। ये लें व्यूअर्स, अब वो सेवैयाँ हमने निकाल दी हैं फ्राई करके। अब चीनी हम इसमें डालेंगे। बेसिकली आज हम बनाएंगे कैरेमल शीर खुरमा, तो इसको हम चीनी को साथ साथ लग जाएंगे। ये इसका शीरा बन जाएगा, चीनी का शीरा तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है आम शीर खुरमे से हट के है। ये अभी चीनी का कैरेमल तैयार होगा, उसमें फिर हम दूध ऐड करेंगे। ये लें जनाब, ये कैरेमल हमारा रेडी है। इसमें अब हम मिल्क ऐड करेंगे। ये जनाब हमने इसमें मिल्क ऐड किया। ये लें जनाब कैरेमल, इसमें अच्छी तरह मिक्स हो गया दूध के। इसको हमने एक बॉयल करना है, एक दफ़ा जब एक उबाला इसका आ जाएगा तो हमने इसमें वो जो शीर खुरमा मिक्स रेडी करके रखा था वो ऐड कर देना। व्यूअर्स, अब हमने इसे ढक दिया है, एक बॉयल आने का हम वेट करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ हम इसमें 3 से 4 इलायचियाँ भी ऐड कर लेंगे ताकि इसकी अच्छी खुशबू आए। ये ले व्यूअर्स, अब इसे एक बॉयल हो चुका है दूध को। अब हम इसमें जो हमने सेवैयाँ जो शीर खुरमा मिक्स रेडी करके रखा था उसे ऐड करेंगे। इसको ऐड करके हम थोड़ा सा हिलाएंगे। ये आपका ज्यादा से ज्यादा भी 10 मिनट में रेडी हो जाए। व्यूअर्स, यहाँ हम 1 से 2 ड्रॉप जो क्योड़ा होता है जिसे फूड एसेंस कहते हैं, वो तो हम 1 से 2 ड्रॉप ऐड करेंगे जस्ट फॉर गुड फ्रेग्रेंस। ये आपका कैरेमल शीर खुरमा मज़ीद 5 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। ये लें व्यूअर्स, तकरीबन 7 to 8 मिनट्स हो चुके हैं और ये हमारा कैरेमल शीर खुरमा रेडी है।
बस हम इसे डिश आउट करेंगे, उसके बाद उसकी ड्रेसिंग करेंगे पिस्ते और बादाम के साथ। स्वीट डिश आपका कैरेमल शीर खुरमा रेडी है। ये सर्व करें मेहमानों को और मीठी मीठी ईद मनाएं। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।